वेलकम बैक फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो सेशन में नाज़बा के बारे में डिस्कशन किया था और नाज़बा और AICPA के एसोसिएशन के बारे में भी साथ में हमने डिस्कशन किया था कि आपको नाज़बा से किस लेवल पे कम्युनिकेशन करना है और AICPA का क्या रोल्स रहेंगे. तो हम इस वीडियो सेशन में एक बहुत ही मेजर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे. जो क्वेश्चन आपके माइंड में, चाहे वो CPA हो या कोई अदर कोर्स और प्रोग्राम हो, आपके माइंड में ज़रूर क्लिक करता होगा, दैट इज़ वेदर आई एम एलिजिबल टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कोर्स और नॉट. तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स कि CPA का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उससे पहले मैं डिस्कशन करने से पहले मैं आपको लास्ट वीडियो सेशन के बारे में एक पॉइंट पर डिस्कशन करना चाहता हूँ कि जिसमें हमने शेयर किया था कि US में जो CPA है वो फर्दर स्टेट लेवल पर नैरो डाउन की गई है, यानी कि स्टेट का जो है अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन करने का एक अपना क्राइटेरिया है और वहाँ की लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को डिसाइड करने का भी उनके पास अथॉरिटी है. तो यानी कि आपको US से CPA करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप वहाँ पर कौन से स्टेट से CPA करना चाहते हैं. तो वहाँ, क्योंकि वहाँ पर हर एक स्टेट का अपना इंडिविजुअल लेवल ऑफ क्राइटेरिया है, अपने इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है, तो आपको एक पर्टिकुलर स्टेट को डिसाइड करना होगा कि आप कहाँ से CPA करना चाहते हैं. तो आपको सबसे पहला जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप पर्टिकुलर स्टेट सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि वहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक स्टेट के, उसमें क्या कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे कि वो किस बेसिस पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमाइन करते हैं. तो आगे प्रोसीड करते हैं, हम उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करते हैं. आपके माइंड में एक मेजर क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि जब अगर मेरे को पर्टिकुलर एक स्टेट को सिलेक्ट करना होगा तो कौन सा स्टेट मेरे लिए बेस्ट ऑप्ट होगा, बेस्ट रहेगा. तो ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोई एकदम ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जिसका क्लियर कट मैं आंसर आपको एक्सप्रेस कर सकूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर कई हो कि तुम तो, मतलब ये लगा लीजिए आपका हो सकता है जिस स्टेट को आप ऑप्ट करना चाह रहे हो वहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट ही ना हो रहा हो. तो आपको सबसे पहले ये भी देखना चाहिए कि आप उस स्टेट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है. सेकेंड थिंग, ये आपको अपने फ्यूचर गोल्स के हिसाब से भी डिसाइड करना होगा कि आपको, अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपके माइंड में ऐसा है कि आपको वहां पर ही सेटल होना है, US में सेटल होना है या उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसको अपने माइंड में रख के ही डिसाइड करना, क्योंकि आप जहां से CPA करेंगे आप उसी स्टेट में एलिजिबल होंगे प्रैक्टिस करने के लिए. तो ये चीज़ों को आपको अपना क्राइटेरिया रखना होगा, फिर अपना डिसाइड करना होगा कि कौन सा स्टेट मेरे लिए बेस्ट सूटेबल है. तो फ्रेंड्स, पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि इनके कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है. तो पहला पॉइंट फ्रेंड्स उसके ऊपर ये है कि वो जो है एज को अपना क्राइटेरिया लेके चलते हैं. मीन्स कुछ एक स्टेट जो है वो एक मिनिमम एज को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप उस स्टेट से अगर आपको CPA करनी है तो आपकी पर्टिकुलर इतनी मिनिमम एज होनी चाहिए तो सिट इन CPA एग्ज़ाम. तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक मिनिमम एज रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना होगा. हालांकि गुड न्यूज़ ये है कि ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ही रेयरली कुछ एक स्टेट्स में, ये सारे मेजर स्टेट्स में आपको नहीं मिलेगी आपको रिक्वायरमेंट. सेकेंड रिक्वायरमेंट जो है वो है रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट, यानी कि आप पर्टिकुलरली US के ही रेसिडेंस होना चाहिए. कुछ एक स्टेट्स में ऐसा नॉर्म भी है, ऐसा रूल भी है. ये रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि कुछ एक स्टेट्स में हो सकता है आप इंटरेस्टेड हो वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ पर एज अ सेटल होने के लिए, बट उन स्टेट्स में कुछ पर्टिकुलर जो रूल हैं, यानी कि उस स्टेट में ऐसा रूल भी हो सकता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ US के और उस पर्टिकुलर स्टेट के रेसिडेंट ही वहाँ से एलिजिबल हो CPA ज्वाइन करने के लिए. तो ये एक अनदर क्राइटेरिया है. आपके माइंड में होगा कि इन स्टेट्स की क्या आपको लिस्ट मिल जाएगी या इन पर्टिकुलर क्राइटेरिया में कौन कौन से स्टेट्स की क्या क्या अपनी फर्दर जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे पता लगेगी. तो मैं उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँ. उस स्पेसिफिक स्टेट्स पे आपको वीडियोस भी रिक्वायर्ड होंगी, तो मेरे को प्लीज़ एक बार आपको कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको स्पेसिफिक वीडियोज़ भी उसके साथ शेयर कर दूँगा. नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपके साथ एज और रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से डिस्कस किया, नेक्स्ट स्टेटस जो है फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस में कुछ एक स्टेट्स में ही है, जैसा कि एज वाली भी मैंने आपको बताई कुछ स्टेट्स में है, तो ऐसे ही रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर भी है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में ही है ऐसी रिक्वायरमेंट, सभी स्टेट्स में ऐसा नहीं है. अदरवाइज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होंगे वो तो ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे CPA. तो ये कुछ एक लिमिटेड स्टेट्स में ही ऐसी रिक्वायरमेंट है. थर्ड पॉइंट जो है वो भी एक तरीके से सिटीजनशिप, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हर्ट करने वाला पॉइंट है, जिसमें ऐसा है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ US के जो सिटीजन्स हैं वही CPA को ज्वाइन कर सकते हैं उन स्टेट से. अदरवाइज बाकी स्टेट्स के जो है, सॉरी बाकी कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो CPA को ज्वाइन नहीं कर सकते उन पर्टिकुलर स्टेट्स से परस्यू करने के लिए. जो नेक्स्ट क्राइटेरिया वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर क्राइटेरिया है, जो हर एक स्टूडेंट के लिए क्रिटिकल प्रूव होता है, तो वो वाला क्राइटेरिया मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स. फ्रेंड्स, ये क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके, यानी कि आपको लग रहा होगा कि अब मेरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कितनी चाहिए, वो कितनी रिक्वायर्ड है. आपके माइंड में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हिट कर रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली
कोई भी कोर्स हो वहाँ पर सबसे मेजर रोल तो इसी क्वालिफिकेशंस का या मार्क्स का ही आता है कि आपके मार्क्स या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसका रोल आता है। तो यहाँ पर जो CPA में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम है, एट द मिनिमम आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आप BCom या BCom ऑनर्स यानी कि अकाउंटिंग में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फ्रेंड्स मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि US में जो है मोस्टली कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वहाँ पर क्रेडिट आर्ट्स के बेसिस पर होते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि क्रेडिट आर्ट्स क्या होते हैं, तो क्रेडिट आर्ट्स क्या इंडिया में भी है बट इंडिया में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके बेसिस पर डिसाइड नहीं होता। इंडिया में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्वालिफिकेशन, फॉर एन एग्जांपल आपको अगर MBA करनी है तो आपकी BCom हो जानी चाहिए, BCom ऑनर्स जैसे भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो इस केस में कुछ एक यूनिवर्सिटीज में होता है कि आपकी मिनिमम परसेंटेज सिस्टम होता है, बट US में क्या क्रेडिट आर्ट सिस्टम है, यानी कि आपका मिनिमम इतने क्रेडिट आर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कितने क्रेडिट आर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं हम अपकमिंग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया कि मिनिमम आपको बैचलर डिग्री तो चाहिए होनी चाहिए, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में ऐसा भी है कि वहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MBA, MCom या फिर कोई एक प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए टू कंप्लीट देयर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जैसे CS और CMA जैसी डिग्री भी आपके होंगी तो आपको एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा उस केस में। अब जो मैंने आपके क्रेडिट आर्ट्स की बात करी थी उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स कुछ एक स्टेट्स में ऐसा है कि मिनिमम 120 क्रेडिट आर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब 120 क्रेडिट आर्ट्स आपको कैसे पता लगेंगे, कैसे आप उसको असेस कर सकते हैं, ये आपको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉपर क्राइटेरिया बताऊंगा कि ये कैसे आपको इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट मिलती है आपको जहां से आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, तो उसके बारे में हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 120 आर्ट्स के हैं बेसिकली कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट उसी कोर्स को कंप्लीट करते ही हो जाती है। फॉर एन एग्जांपल आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स करी है तो माइट भी हो सकता है कि आप किसी स्टेट से पर्टिकुलरली CPA ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो जाए, यानी कि 120 आवर्स का क्राइटेरिया आपका मीट हो जाए। तो ये आपको पहले आपको वो रिपोर्ट मिलेगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब शेयर करूंगा तब आपको पता लगेगा वो रिपोर्ट से आपको कैसे आवर्स पता लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स कुछ एक स्टेट से मैंने शेयर किया कि ये क्राइटेरिया रिजिड भी हो सकता है, तो वहां पर आपको 150 आवर्स भी चाहिए हो सकते हैं। अब ये 150 या 120 इतने भी मैंने आज शेयर करी ये एग्जाम्स लेवल के लिए, ये CPA की लाइसेंसिंग के लिए नहीं है। CPA की लाइसेंसिंग के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती है जो हम फ्यूचर वाले पार्ट्स में डिस्कशन करेंगे। एज ऑफ नाउ हम अभी एग्जाम्स और CPA के ज्वाइनिंग रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स एक ज़्यादा जो इससे और भी चैलेंजिंग पार्ट जो है वो है कुछ एक स्टेट्स में ये स्पेसिफिकली मतलब मेजोरिटी ऑफ दी स्टेट्स में ये रूल है ही कि आपको 120 या 150 आवर्स का जो है इसके बाद फर्दर आपको उस एक कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में भी मिनिमम आर्ट्स सही होंगे, जैसे कि अकाउंटिंग एक CPA जो है अकाउंटिंग के ऊपर एक अच्छा खासा फंडामेंटल उसका सब्जेक्ट है, तो उसमें आपके क्रेडिट आर्ट्स स्पेसिफाइड हो सकते हैं कि इसमें आपको मिनिमम 24 या 30 आर्ट्स आपको चाहिए होने चाहिए। तो ये सब्जेक्ट वाइज भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये रिक्वायरमेंट वैसे आप ज़्यादा वरी मत करना, इसकी ये मोस्टली रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स की फुलफिल हो जाती है चाहे वो PG के बेस पे हो या ग्रेजुएशन के बेस पे हो। ये जब आपकी रिपोर्ट आएगी जो हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे उससे आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में क्रेडिट आर्ट्स कैसे कंप्यूट होंगे, कैसे इवैल्यूएशन होता है आपके प्रोसेस का, हम उसके बारे में डिस्कशन अपकमिंग पार्ट्स में करेंगे। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इन केस यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट्स प्लीज़ डू व्हाट्सअप और टेलीग्राम, आपको वो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी वीडियोस जो रिलेटेड वीडियोस हैं उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।